Hello students, so let us take the next topic of the numericals, that is the numericals related to the distance traveled in nth second. So the formula we have done for the distance traveled in nth second, that is dn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, where n is the nth second. Okay, so related to this formula, we have to solve some numericals and we have to learn that how to solve the numericals. So let us take the examples. First question we will take now, that listen the question carefully. A body travels a distance of 20 meter in 7 second, means in 7 second it travels 20 meter and it travel 24 meter in 9 second, means 9 second it travel 24 meter. This one is given. How much distance shall it travel in 15 second? हम लोगों ने निकालना है distance traveled in a 15 second. So what we are given? We are given that D7, देखो फार्मूला हमारे पास आता है डी एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन. दिस वन इज द फार्मूला फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इससे रिलेटेड, फार्मूला से रिलेटेड, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो हियर व्हाट इज गिवन, दैट D7 इज गिवन, दैट इज गिवन 20 मीटर. तो हम लोग अगर यहां पर रख दें कि भाई n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो हम लोग ये रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज u प्लस a बाय 2 इनटू 2 इनटू 7 बिकॉज n इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 20. सो u प्लस a बाय 2 इनटू 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 20. मैं ये 2 एलसीएम ले लेता हूँ, सो 2u प्लस यहाँ से आ गया 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आ गया 14. दिस वन लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड वन इज गिवन D9, कितना देखा है बेटा, दैट इज गिवन 24. सो D9 मींस u प्लस a बाय 2 into 2 into 9 minus 1 that is equal to, इसके बराबर हो गया हमारे पास है, that is equal to 24. okay, so here 2u plus यहां से देखें कितना आ रहा है 18 minus 1 17, a is equal to 48. This is number 2. अब क्योंकि हम लोगों ने a और u की वैल्यू निकालनी है, तब हमारे पास निकलेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 15 सेकंड, जो हम लोगों से पूछा गया है. ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, घटा दो इसको, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. देखो 2 क्या है, 2u प्लस 17a इज इक्वल टू 48 और 1 कितना था, 2u प्लस 13a इज इक्वल टू 40 माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट, हमारे पास बच गया यहाँ पर 4a इज इक्वल टू 8. सो a इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू कितना रह गया यहाँ से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सलरेशन हमारे पास निकले, यू की वैल्यू निकाल रहे. तो फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेट 2u प्लस 13 इंटू ए 13 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40. सो 2u प्लस 26 इज इक्वल टू 40. सो 2u दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 26 हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 14. सो u दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड. दस
हमने निकालना है, क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ, दैट इज अ 15 सेकंड में हम लोग ने डिस्टेंस निकालनी है. सो वी हैव टू फाइंड आउट डी 15, दैट इज u प्लस ए बाई टू इन टू 15, 2 इंटू 15, एन की वैल्यू कितनी आ गई 15, 2 इंटू 15 माइनस 1. सो डी 15 दैट इज इक्वल टू u, u आपके पास जो वैल्यू आई है वो रख देते हैं, u कितना है 7 प्लस a कितना है हमारे पास 2 बाई टू इंटू दिस इज 30 माइनस 1. सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 29. सो डी 15 दैट इज इक्वल टू 36 मीटर. दिस वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ 15 सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम लोग. इस तरीके से हम लोगों ने कौन सा कर दिया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सेकंड. ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके का क्वेश्चन करेंगे, है ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, उसमें कुछ और चीज़ निकालनी है हम लोगों ने. u और a की वैल्यू तो निकालनी ही है लेकिन बाद में कुछ और निकालना है वो देखते हैं हम लोग. हमारे पास बोला गया है कि दैट अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड सेकंड, मींस सेकंड सेकंड में d2 आपके पास कितना दे रखा है, दैट इज अ 12 मीटर सेकंड सेकंड में इतनी कर रहा है, एंड 20 मीटर इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितनी कर रहा है 20 मीटर. वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड. ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है हम लोगों ने किसमें, इन 4 सेकंड आफ्टर 5th सेकंड, 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड. ठीक है, अगले 4 सेकंड, पांचवें सेकंड से अगले 4 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो पहले तो u और a निकालना पड़ेगा हम लोगों को. तो हमें पता है दैट d n दैट इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इनटू 2 n माइनस 1, यही है हमारे पास. सो यहां से देखें पहले d2 कितना है बेटा, d2 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर हमारे पास है, तो वैल्यू रखते हैं हम लोग d2 की यहाँ से. तो देखो u प्लस a बाई टू इंटू टू इंटू टू माइनस वन इज इक्वल टू 12 के बराबर, n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई हमारे पास. सो u यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2u प्लस यहाँ से 2 टू 4 माइनस 1 3, a इज इक्वल टू 24 नंबर 1. सेकंड वन दे रखा है कितना d4 इज इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है, सो d4 की वैल्यू रख दें तो हमारे पास u प्लस a बाय 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, यहाँ से आ गया 2u प्लस यहाँ से 4 टू 8 माइनस 1 7, a इज इक्वल टू 48 नंबर 2. क्या कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, वन फ्रॉम टू कर देते हैं इसको सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आ गया यहां से, दैट इज टू यू प्लस 7 इज इक्वल टू 48, और यहां से 2u प्लस 3a इज इक्वल टू कितना था हमारे पास 24, यहां से माइनस माइनस और ये तो कैंसिल आउट, यहाँ से 4a दैट इज इक्वल टू 24 बचेगा हमारे पास. अच्छा ये कितना था, दिस वन इज, दिस वन इज गिवन, ये बेटा 20 मीटर था हमारे पास, दिस वन इज 20 था, ये 20, दिस इज 20 मीटर, सो दिस इज 40, सो दिस इज आल्सो 40, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये 20 इज गिवन, सो दिस इज ऑल्सो वॉट दैट इज अ 20, और ये 220 सा 40 आ गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 40 हो गया हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ से बच गया हमारे पास कितना 16, सो ए दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जस्ट एक्सलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर.
अब निकालते हैं हम लोग यहां से u की वैल्यू निकाल दिए, सो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन देखते हैं अगर हम लोग, तो 2u प्लस कितना एक्सेलरेशन 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, सो 2u प्लस 12 इज इक्वल टू 24, सो 2u इज इक्वल टू 12, सो u दैट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, दो वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहां पर आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, इट मीन्स हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है कहां तक हम लोगों ने, भाई 5वें सेकेंड से के बाद कितने 4 सेकेंड में, मतलब 9 सेकेंड हो गए हमारे पास। तो ये क्या निकलेगी, अगर मैं ये निकालूं कि भाई S9 बच रहा है उसमें से मैं S5 निकाल दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, तो बच गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड, वही बच गई। तो इट मीन्स मैं पहले निकालूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिर 5 सेकेंड में, हमें पता है एस टी दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, पहले निकाल लूं एस नाइन दैट इज इक्वल टू यू कितना है 6 इंटू 9 प्लस हाफ इंटू ए कितना है, एक्सलरेशन की बात करें तो 4 है हमारे पास इंटू 9 का स्क्वेयर, सो S9 इज इक्वल टू 54 प्लस ये 2 हो गया, सो दिस इज 2 इंटू 81, सो S9 इज इक्वल टू 54 प्लस दिस इज इक्वल टू 2 एंड 162, ऐड कर दें इसको, S9 दैट इज इक्वल टू 4 और 2 6 5 11 216 मीटर। मैं S5 निकाल देता हूं, अब S5 दैट इज इक्वल टू u कितना है 6 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a, ए कितना है 4 इंटू 5 का स्क्वेयर, सो S5 इज इक्वल टू 30 प्लस ये हो गया 2 टू 4 2 इंटू 25, सो S5 इज इक्वल टू 30 प्लस 50, सो S5 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमारे पास पूछी गई है S दैट इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा बेटा S इज इक्वल टू S9 माइनस S5, S9 कितना है दैट इज अ 216 माइनस 80, सो S इज इक्वल टू यहां से देखो मैं तो 6 और यहां पर आपके पास 136 मीटर, दिस वन इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये NCERT का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से करना है हम लोगों ने, देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। बाकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे लेकिन ये NH से रिलेटेड आपके पास आ गया तो उसको हम लोग कर लेंगे साथ के साथ और फिर देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल, इसमें बोला गया है हमारे पास कि देयर टू देयर द डिस्टेंसेस ट्रेवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशो एज ऑड नंबर्स बिगनिंग विद यूनिटी नेमली 1:3:5:7 मीन्स अगर हमारे पास कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, ठीक है, तो उसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हर सेकंड के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी रेशो हमारे पास ये आ रही है, ये प्रूव करना है D1:D2:D3:D4 दैट इज इक्वल टू 1:3:5:7 एंड सो। ठीक है, इन फ्री फॉल हमें पता है, इन फ्री फॉल यू तो जीरो आता है, दूसरी बात ए
एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी के बराबर, ये है हमारे पास। सो पहले देखते हैं हम लोग, हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड दैट इज यू प्लस ए बाई टू इन टू टू एन माइनस वन। सो फ्री फॉल में हमारे पास क्योंकि यू तो हो गया जीरो, सो डी एन दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस जी बाई टू इन टू टू एन माइनस वन, इट मीन्स दैट डी एन इज इक्वल टू जी बाई टू इन टू टू एन माइनस वन, ये हमारे पास है। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड डी वन दैट इज इक्वल टू जी बाई टू टू इंटू वन माइनस वन, टू इंटू वन टू माइनस वन वन आ गया आपके पास, यहां से आ गया हमारे पास जी बाई टू। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, इसमें देखते हैं हम लोग डी टू दैट इज इक्वल टू जी बाई टू, टू इंटू टू माइनस वन, टू टू सा फोर माइनस वन थ्री, तो ये हो गया थ्री जी बाई टू के बराबर। ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या हो गया डी थ्री दैट इज इक्वल टू जी बाई टू इंटू टू इंटू थ्री माइनस वन, टू थ्री जा सिक्स माइनस वन फाइव जी बाई टू। और ऐसे ही हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड, ठीक है डी फाइव दैट इज जी बाई टू इंटू टू इंटू फाइव माइनस, पहले फोर्थ में निकाल देते हैं, फोर्थ में इन फोर्थ सेकेंड टू इंटू फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू फोर टू जा एट, एट माइनस वन सेवन जी बाई टू। चलो डी फोर दिस वन इज डी फोर छोड़ गए थे हम लोग, इनकी रेशो अगर निकालें तो अगर हम लोग निकालें डी वन रेशो डी टू रेशो डी थ्री रेशो डी फोर, देखो जी बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर वन है हमारे पास, फिर बच जाएगा वन रेशो थ्री और फिर रेशो फाइव और यहाँ पर रेशो सेवन, तो हमारे पास बच गया वन रेशो थ्री रेशो फाइव रेशो सेवन, यही हम लोगों ने प्रूव करना है, तो ये हमारे पास हो गया दिस इज प्रूफ, ठीक है आंसर प्रूफ। ओके नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, उससे चलते हैं हम लोग, दिस वन इज A stone is dropped from the top of a cliff and is found to travel 44.1 meter in the last second. Last second में इसने distance travel कर ली, मतलब nth second में इसने travel कर ली distance 44.1 meter. This is the distance travel in the last second. ठीक है? Before it reaches the ground, find the height of the cliff. क्लिफ हमारे पास क्या होता है बेटा, क्लिफ आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसे हमारे पास ये आ गया सरफेस, यहां से कोई स्टोन ड्रॉप किया गया यहां से नीचे ऐसे, ठीक है तो ये लास्ट सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लास्ट सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 44.1 मीटर, हमने ये डिस्टेंस निकालनी है कि इस क्लिफ की जो आपके पास हाइट है वो कितनी है, इट मीन्स हमने निकालना है यहां से यहां तक का टाइम, इसका मतलब जो लास्ट सेकंड है वही टाइम लगा हमारे पास यहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि जो लास्ट सेकंड आएगा, लास्ट सेकंड मीन्स
वही सेटल हुआ जो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखें, अगर हम लोग जब भी ये स्टार्ट होता है, इन केस ऑफ द फ्री फॉल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू जीरो, यू दैट इज इक्वल टू जी दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब डी एन हमारे पास दे रखा है कितना है, डी एन दैट इज गिवन 44.1 मीटर। सो यहाँ से u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू 44.1 के बराबर आ गया। u तो कितना है जीरो, प्लस ये हो गया g बाई टू इंटू टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 44.1। जी की वैल्यू रख दें यहाँ पर 9.8 बाई टू इंटू टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 44.1। ये आ गया 4.9 इंटू टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 44.1। सो टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 44.1 डिवाइडेड बाई 4.9। 9 से चला जाएगा ये सीधा, तो हमारे पास आ गया टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 9। सो टू एन दैट इज इक्वल टू 10, सो एन दैट इज इक्वल टू 5। सो इसका मतलब इन द फिफ्थ सेकेंड इट ट्रेवल दिस वन डिस्टेंस, फिफ्थ सेकेंड हुआ लास्ट सेकेंड, इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। देयरफॉर द टाइम टेकन कितना आ गया आपके पास, टी दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब निकाल लेते हैं डिस्टेंस और हाइट इसकी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू यू तो हो गया जीरो, प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू 4.9 इंटू 25, एच इज इक्वल टू 122.5 मीटर। दिस वन इज द हाइट ऑफ द क्लिप। ठीक है, अब करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स, कुछ हम लोगों ने कर लिए हैं और कुछ हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ये जो कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स किए थे, कुछ वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे बाकी बुक से, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3.1 है जिसमें बोला गया हमारे पास कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर। हमारे पास ऐसे दिया गया है, ये दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज इन मीटर, इस साइड को आगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आ गया ओरिजिन, ओ दिस इज जीरो। ठीक है, यहां पर पॉइंट दिए गए हैं हमारे पास, क्यू दिया गया है, ये दिस इज पॉइंट क्यू 240 मीटर, और यहाँ पर पॉइंट पी है हमारे पास, दिस इज 360 मीटर, मीटर में ही है तो ये मीटर में देखते हैं हमारे पास 360। इसका मतलब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस मैं देखूँ, इन दोनों के बीच की, तो ये हो गए 120 मीटर के बराबर इन दोनों के बीच। ठीक है, इसमें बोला गया कि दैट इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, एंड कहां से रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू, कहां से पी से क्यू इन 6 सेकेंड, ओ से पी तक जाती है कितने में 18 सेकेंड में, और पी से क्यू में रिटर्न हो जाती है कितने में 6 सेकेंड में। ठीक है, हम लोगों ने निकाला व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी
एक तो निकालना है कहां से, पहला निकालना है कहां से, O टू P, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, और दूसरा निकालना है कहां से, O टू। यहां से देखें हम लोग तो O से चले हम लोग कहां पर, O टू P एंड बैक टू Q, O टू P एंड बैक टू Q, ये हम लोगों ने निकालना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या है हमारे पास। हमारे पास यहां पर लॉजिक क्या है, व्हेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो हम लोगों ने निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और जब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी देन वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, जब निकालनी है एवरेज वेलोसिटी देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो देखते हैं हम लोग यहां पर, पहले बात करते हैं हम लोग यहां पर, दैट इज सॉल्यूशन इसका करते हैं हम लोग, पहला दैट इज फ्रॉम ओ टू पी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितने हैं भाई, ओ से पी तक 360 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दैट इज ऑल्सो 360 मीटर, क्योंकि एक बराबर ही है आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और टाइम देखें यहां पर हमारे पास, तो टाइम लगा कहां से, ओ से पी तक लगा कितना, 18 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी इसके बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा 360 मीटर अपॉन टाइम 18, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और निकाले अगर हम लोग यहां पर एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज ऑल्सो 360 और टाइम इज 18 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन द गिवन डायरेक्शन, मतलब मुड़ा नहीं है किसी साइड को भी, मुड़ा नहीं है हमारे पास। अब केस आ जाता है सेकेंड, उसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। दूसरा केस देखते हैं हम लोग, इसमें क्या पूछा गया हम लोगों से कि भाई अब ऑब्जेक्ट गया कहां पर, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, बैक टू क्यू आ गया हमारे पास सेकेंड केस, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, ओ क्यू, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, किसके बराबर, ओ क्यू दैट इज इक्वल टू 240 मीटर के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें तो इसने की किसके बराबर, दैट इज ओपी प्लस पी क्यू, पहले पी पर गया फिर पी से क्यू तक आया, ओपी प्लस पी क्यू दैट इज इक्वल टू 360 प्लस यहां से यहां तक 120, तो कितना हो गया आपके पास, ये देखें तो दिस इज 480 मीटर के बराबर। अब यहां पर टाइम कितना लगा, देखो टाइम की बात करें तो टोटल टाइम यहां से यहां तक लगे कितने, 18 सेकेंड, और यहां से यहां तक 6 सेकेंड, तो कुल मिलाकर के टाइम हो गया 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 24 सेकेंड, ये टाइम टोटल। अब निकालते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है दैट इज
240 मीटर और टाइम कितना है हमारे पास, दैट इज 24 सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड की बात करें अगर, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई 480 मीटर, टाइम कितना 24 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड इन दिस केस। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अगले बात करते हैं हम लोग। ध्यान दें आप लोग, जब भी आप लोगों से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछा गया हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोग करोगे डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए निकालोगे आप लोग क्या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये चीज आप लोग निकालोगे यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया दैट द, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको भी देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला गया पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी का होल, बी टी का स्क्वेयर, ये पोजीशन दी गई है। वेयर ए इज इक्वल टू, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड बी दैट इज इक्वल टू, बी की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है। एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, हमने निकालनी है इसकी वेलोसिटी कहां पर, एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू, बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पूछी गई है किसी टाइम के ऊपर पूछी जाती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई और ये हुई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आती है चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोगों को पता है दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो पहले हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पर, पहले इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की, हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्स हमारे पास दे रखा है बेटा ए प्लस बी टी का स्क्वेयर, इस पार्ट के लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो वी दैट इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, इसका डेरिवेटिव ले लो आप लोग ए प्लस बी टी का स्क्वेयर, सो वी दैट इज इक्वल टू ए का जीरो हो जाएगा यहां पर देखें हम लोग, तो हमारे पास बच गया यहां पर क्या रहेगा 2 बी टी, डेरिवेटिव ले लिया इसका, टी स्क्वेयर का क्या रहेगा 2 टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड वी इज इक्वल टू बी इंटू 0, सो दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। दूसरा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड वी इज इक्वल टू 2 बी इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4 बी के बराबर, सो वी इज इक्वल टू बी की वैल्यू रख देंगे कितने 2.5 है, 4 इंटू 2.5 तो आपके पास वी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी है। ये निकल गए इंस्टेंटेनियस जो पूछा गया था हम लोगों से, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, जो एवरेज वेलोसिटी हम लोगों से पूछी गई है, एवरेज एवरेज निकलती है चेंज इन पोजीशन पर इन टाइम, तो हम लोग निकालते हैं व्हेन
वन मान लेता हूं मैं 2 सेकेंड, तो एक्स वन किसके बराबर आ गया आपके पास, ए प्लस बी इंटू टू का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 4b। और व्हेन टी टू दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एक्स टू दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए प्लस 16b। अब वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर टी टू माइनस टी वन, दैट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन ए प्लस 16b माइनस ए माइनस 4b अपॉन टी टू कितना था आपके पास 4 माइनस टी वन कितना था 2 के बराबर। सो वी एवरेज दैट इज इक्वल टू ए से कैंसिल आउट 16 माइनस 4 12b डिवाइडेड बाई 2, सो वी एवरेज दैट इज इक्वल टू 6b, बी की वैल्यू रख दो आप लोगों पर 6 × 2.5, सो वी एवरेज दैट इज इक्वल टू 15 m/s, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं एक और एग्जांपल नंबर 3.4 की बात करते हैं हम लोग, 3.4, सो देखते हैं इसको भी। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कि क्या बोला गया है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 m फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई द बॉल विल राइज। पहला ये निकालना है हम लोगों ने कि भाई बॉल जो है वो कितनी हाई जो आ जाती है, एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब कितनी देर तक ये हवा में रहेगी, कहां तक ग्राउंड को हिट करने से पहले। तो हमारे पास सिचुएशन क्या दी गई है यहां पर, एक देखिए ये बिल्डिंग, ये हमारे पास आगे बिल्डिंग, इसकी हाइट है 25 m, ये मैंने मान ली h 25 m, यहां से कोई बॉल जो है ऊपर थ्रो की गई ऐसे, ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां पर ये किसी वेलोसिटी u के साथ यहां पर ऊपर की तरफ होगी, और मैंने मान लिया कि इसने हाइट जो है एच वन यहाँ पर ये अटेन कर, ठीक है, यहां से आएगी ये नीचे, तो ये मैंने हाइट मान ली एच के बराबर, टोटल दैट इज इक्वल टू एच वन प्लस एच के बराबर। हमने एक तो ये हाइट निकालनी है, और साथ में निकालना है क्या, यहां से जब थ्रो किया ये टाइम प्लस ये टाइम, कुल मिलाकर कितने टाइम तक ये किसमें रहेगी, हेयर में, एयर में रहेगी, दैट हाउ लॉन्ग द बॉल विल टेक बिफोर इट हिट द ग्राउंड, कितना टाइम ये लेगी। तो हम लोग यहां पर देखते हैं पहले दैट हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग एट दैट इज इक्वल टू 25 m, यहां से हिट किया, यहां पर जाते जाते आपके पास मान लो हमारे पास जो वेलोसिटी है फॉर बॉल, इनिशियल वेलोसिटी है 20 m/s, इसके साथ इसको क्या किया गया ऊपर जो है वो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया यहां से 20 m/s से, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहां पर, एक चीज और बोली गई है, टेक जी इज इक्वल टू 10 m/s² ये बोला गया, ठीक है। अब
अपवर्ड मोशन है तो जी हम लोगों ने लेना है -10 m/s² दिस वन एट मैक्सिमम हाइट। जीरो वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा आपके पास है जीरो हो जाएगा। ठीक है ये कंसेप्ट लगा चलेंगे हम लोग। हमारे पास यहां से टाइम भी निकालना है हम लोगों ने और ये साथ में क्या निकालना है एक तो यहां से ये हाइट भी निकाल के चलेंगे हम लोग। तो हमें पता है यहां से अगर हम लोग देखें 2gh1 = v² - u² सो यहां से h1 = v² - u² / ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर दैट इज इक्वल टू 2g। v कितना है बेटा हमारे पास v है 0 माइनस u u हमारे पास 20 का स्क्वायर अपॉन 2 × -10 सो h1 = -400/-20 तो ये कैंसल आउट हो गया h1 = 20 m। ये निकल गई हाइट। अब पहले टाइम निकाल लेंगे हम लोग यहां से टाइम निकालना सो v = u + g t1 मैंने मान लिया v हो गया 0 u आ गया हमारे पास कितना 20 - 10 × t1 सो 10 t1 = 20 सो t1 = 2 s। टोटल हाइट की बात करें तो टोटल हाइट यहां पर देखें अगर हम लोग बी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं आप टोटल हाइट h = h1 + h h = h1 है कितना 20 + 25 सो h = 45 m। अब यहां से बॉल चलेगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 जीरो से चलेगी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 0 ये जो फाइनल थी वो बन जाएगी इनिशियल हमारे पास सो एज u इज इक्वल टू 0 डाउनवर्ड मोशन में सो h = ut2 मैंने मान लिया +½ g t2 का स्क्वायर नीचे की तरफ को g आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव g दैट इज इक्वल टू 10 m/s² डाउनवर्ड मोशन में सो यहां से टाइम निकाल लेंगे h कितना है आपके पास 45 u0 × t2 + ½ × 10 × t2 का स्क्वायर सो 45 = 0 + 5 t2 का स्क्वायर सो 45 = 5 t2 का स्क्वायर सो t2 square = 9 सो t2 = 3 s। सो रिक्वायर्ड टाइम की बात करें अगर हम लोग जो पूछा गया है टाइम फेंकने के बाद और हिट करने से पहले बॉल कितने टाइम तक जो है वो हवा में रहती है वो पूछा गया है सो दैट टाइम t = t1 + t2 = 2 s + 3 s सो दिस टाइम दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 5 सेकेंड 5 सेकेंड में बॉल जो है कहां पर पहुंचेगी ग्राउंड के ऊपर पहुंचेगी। ठीक है तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास बाकी एग्जांपल्स हम लोगों ने कर लिए थे अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक आप लोगों ने बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कर लेने हैं आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।